जिला बिजनौर के तहसील धामपुर के ग्राम नींदड़ में एक जवान लड़के की बुखार से हुई मौत, पूरे गांव में छाया मातम। जानकारी के अनुसार स्थानीय ग्राम के महिला बुद्ध बाजार पंचायत घर के पास निवासी नजाकत शाह दिल्ली के गाजीपुर में मछली मंडी में मछली का व्यापार अपने लड़के आशु को साथ लेकर करते हैं। बताया जा रहा है कि आशु की उम्र तकरीबन 20 साल है। 6 या 7 दिन पहले से ही आशु को तेज बुखार आ रहा था और बुखार के चलते ही आशु की मृत्यु हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर कल से एक बात बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है कि आशु को मछली ने कांटा मारा और मछली के कांटे की वजह से आशु की मृत्यु हुई है। हालांकि हमने आशु के वालिद साहब नजाकत शाह से बात की, उन्होंने बताया कि ये गलत अफवाह है कि मछली के कांटे की वजह से आशु की मौत हुई। सही बात यह है कि 6 या 7 दिन से आशु को बुखार आ रहा था। तेज बुखार होने की वजह से हमने पहले उसे धामपुर आरिफ डॉक्टर के यहाँ दिखलाया, उसके बाद डॉक्टर अनस के यहाँ दिखलाया, लेकिन हालत नहीं सुधरने के बाद उन्होंने हमारे लड़के को दिल्ली रेफर कर दिया। दिल्ली में हमारे लड़के का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही आशु की मृत्यु हुई है। हमने नजाकत शाह से मालूम किया कि क्या ये बात जो कल से चल रही है कि मछली के कांटे की वजह से आपके लड़के की मृत्यु हुई है। नजाकत शाह ने हमें बताया कि यह गलत अफवाह है, इस तरीके का कोई मामला नहीं है, मछली के कांटे की वजह से उसकी मौत नहीं हुई है और हमारा मछली का काम है और मछली के कांटे हमें आए दिन लगते ही रहते हैं। तो नींदड़ों के अंदर जो आशु का इंतकाल हुआ है उसके वालिद साहब के हिसाब से 6 या 7 दिन से आशु को तेज गति से बुखार आ रहा था और बुखार आने की वजह से ही आशु की मृत्यु हुई है। सोशल मीडिया पर जो एक बात तेजी के साथ वायरल हो रही थी कि मछली के कांटे की वजह से ही आशु की मृत्यु हुई है, तो ये बात गलत है। सही जानकारी नजाकत शाह ने रियल इंडिया टीवी के सामने बताई। उन्होंने बताया कि मेरे लड़के की मृत्यु मछली के कांटे की वजह से नहीं हुई, तेज गति के बुखार आने की वजह से ही लड़के की मृत्यु हुई है। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट रियल इंडिया टीवी न्यूज चैनल पर। उत्तर प्रदेश की सभी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्या नाम है आपका? नजाकत भाई, ये लड़का है आपका जिसका इंतकाल हुआ, कैसा हुआ है? कुछ दिन बुखार आया जी, और 2 दिन तक वहाँ दिल्ली में हमने जो है ना इसकी दवाई वाई लगाई। ये बोला मुझसे कि मैं घर जाके जो है ना दवाई ले लूँगा, बुखार तो था ही जी, खुद आया, कोई परेशानी थी ना। उसके बाद उसकी यहाँ डॉक्टर से दवाई ली, घर आके सही हो गया। मैं दूसरे दिन फिर दवाई ली तो उसमें अपने यहाँ घर आके हंसी मजाक करने लगा, बोला कि मेरा दिल घबरा रही गले में, मेरे वो हो रही परेशानी। तो हमारी लड़की जो है ना काम पर ले गई, वहाँ दिखाया, एक डॉक्टर के पास गए, आरिफ के पास गए, आरिफ बोला कि वहाँ ले जाओ अनस के पास, अनस के पास गए। मैं दिल्ली था, मैं आया दिल्ली से, और 7-8 बजे डॉक्टर ने बोलने के आप उसके मुरादाबाद दिल्ली में। अच्छा, ये जो मामला कल से चल रहा है कि मछली के कांटे की वजह से लड़के की डेथ हुई, ये क्या मसला है? ये कुछ नहीं है, मछली तो हमारे घर में रोज पड़ती है, हम तो रोज मछली का कारोबार करते हैं। अच्छा, बुखार की वजह से लड़के का इंतकाल हुआ है? ये गलत खबर है कि मछली के कांटे से हुआ? ठीक।